मन में नाम सर आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपको कृष्ण जी की जन्माष्टमी की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। आज वीडियो लेकर आए हैं जिसमें भाई पर्शियन मुस्लिम लड़की जो फर्स्ट टाइम जो है ना कृष्णा जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने लगी अपने इंडियन हस्बैंड के साथ, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। प्लीज वीडियो का एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो से। Look at the beautiful baby. Namaste, baby. Because of this religion, so many people have different festivals. They have a lot of celebrations, and in all the celebrations, they feel so happy. They wear so many colorful. तो भाई यहाँ पर जो पायजा मेरे को ना चॉकलेट दिए है, तो यहाँ के पुजारी और साथ में जो बाकी भी सेवादार हैं उन सबकी तरफ से ये भेंट है, प्रसाद है। खुशियों की आस थी मंजिल के बाद। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। हाय डियर, नमस्ते, मेरा नाम फैजे है। और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी कृष्णा बर्थडे। कृष्ण जन्माष्टमी वो बोलना नहीं आता ना, जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी। दोस्तों आज कृष्ण जन्माष्टमी है, रात का समय है, पूरा दिन हमें हुआ है इन्हीं तैयारियों में, हम लोग व्यस्त रहे हैं और अभी हम जाने वाले हैं मंदिर। यहाँ पे एक पास में मंदिर है और उसके बारे में बहन को पता है, वो बहन भी तैयार हो रही है, हम लोग सब तैयार हो चुके हैं। और फायजा देखो आप आज किस तरीके से तैयार हुई है, ये उसने नया लिया है, नया खरीदा है। और मैं भी, आप मुझे बता देना, वैसे आप मुझे बताते रहते हो अक्सर, लेकिन ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से हम चलते हैं मंदिर की तरफ क्योंकि रात का समय हो चुका है और फास्ट खोलने का भी समय हो चुका है। तो चलते हैं मंदिर, देखते हैं आज क्या होने वाला है कृष्ण जन्माष्टमी पे। काफी सजाया हुआ है मैम, जबरदस्त। ये तो ऐसा लग रहा है कोई मंदिर है या घर है, क्या है? तो भाई हम लोग आ चुके हैं, देखो बहुत भीड़ है यहाँ पर। हम लोग आ चुके हैं, ये पुलिस लाइन है सहारनपुर में, जहाँ पर पूरा एक झांकी लगी हुई है ना, झांकी लगी हुई है और वो ही बहुत ज़्यादा उसमें भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो उसमें देखेंगे हम ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है। और मैं तो पहली बार आया हूँ भाई, तो अभी चलते हैं अंदर और जल्दी से देखते हैं। माही का इंतजार कर रहे हैं, माही खड़ी है वहाँ पे, माही। तो भाई अब अंदर जा रहे हैं हम लोग और ये देखो ये आगे माही जा रही है और माही की फ्रेंड है। और इस तरीके से यहाँ पर एक जो एग्जीबिशन होता है, एग्जीबिशन लगा हुआ है। हाउ इज यू फीलिंग? आई एम एक्साइटेड एंड एवरीबॉडी इज आल्सो एक्साइटेड। हैव यू सीन दिस थिंग्स बिफोर? हाउ इज इट पॉसिबल लाइक इन इरान? सो हाउ इज इट पॉसिबल इन इरान? वी आर नॉट, वी डोंट हैव दिस रिलीजन दैट वी सी सच थिंग्स। तो दोस्तों उसके लिए पहला एक्सपीरियंस होगा उसका, सच में मेरा भी पहला ही होगा क्योंकि मैं भी ऐसे पहली बार आ रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर लगी हुई है असली वाली जो झांकी है, ये देखो ये सब लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ओके, वो कैलाश पर्वत है। हाँ, इफ यू सी देयर, देयर इज शिव, ओके, एंड देयर इज कैलाश माउंट, द कैलाश माउंट, एंड फ्रॉम देयर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ वेयर आई हैड गो, ओके, एंड व्हाट इज इट मीन, इट शोस द प्लेसेस दैट हैज मंदिर, या दे ऑल द प्लेसेस आर होली प्लेसेस, ओके, मोस्टली होली प्लेसेस।
So I, you know, Sam, because moved to, even some of the people that see your videos are Iranian. So it is a question of them that do the Indians actually worship the idols or not? What should I answer? Yes, in Indians, especially as Hindus, worship the idols, and they feel most of the people who have the correct knowledge of religion, they know that in idols there are some kind of energies, and some kind of energies belong to there is a idol who is belong to the energy of knowledge, energy of money, energy of symbols. Yeah, they are symbols. Okay. من اصلا برای سوری پرسیدم و گفتم که حالا چون میدونم اکثر کسایی که دارن ویدیو ها میبینن یه مقدارشون یه سریشون ایرانی هستن، خب الان اینجا هم که بگم بهشون آقا الان که شما همه رو واسه هم میکنیم به بوز درستین، اول دیش که اینجا نیستیم به مردم راه و روش نشون بدیم، تا زمانی که به ما آسیب نزنن اوکی همه چی باشه، از اون زمانی بترسین که داره بهتون آسیب وارد میشه به جون و مال و این صحبتاتون. بعد اینکه اصلا الان میگه که میگه بوز پرستی چرا هستش تو هند، ولی اون کسایی که شناخت درستی از مذهب دارن میدونن که اینها مثلا مجسمه‌ای که اینجا هستن صرفا یک نمادن، مثلا نماد دانش، مثلا نماد موسیقی، خب هر کدومشون یک سمبولن، یک نشانن، و مردم در واقع اونو میبینن تا در واقع اون انرژی سمبولیک رو در واقع تشویق کنن، تحسین کنن. تموم شد و رفت. So he was in Farsi, me samjhaya tha. And now look at here. Come. Hello, bolo. Jai Shri Krishna. Vlog mein aaoge tum bolo. Wo dekh rahe hai kya? Mummy. Jai Shri Krishna. Look at it. Mama, mama phala nu. look at that cow. The picture is showing a cow. Yeah. What is the philosophy of cow? Most of the Iranian wants to know about it because they have this I think the misunderstanding. They say that Indian worship cows. Is it right or not? Okay. First of all, let me clear you one thing. We actually don't worship the cow. We respect the cow. We feel every god that we worship is in the cow. Okay. Come from where exactly? Because most of the people think that British gave this kind of cow. No. It is Indian philosophy. It is Indian phenomena that we believe cow is a respective animal, and we respect the cow. The first food in our celebration is for the cow. Okay, because we believe every god is present in the cow. This thought comes from exactly what time? It is a long story. I can't explain it in a very much short time. Okay. بچه من اصلا پرسیدم که این درسته که آیا مثلا گاو رو هندی ها میپرستن، یعنی پرستش گفت درسته، این که همش میگن آره مثلا آینه هندی اینطوریه که گاو رو میپرستن. این صحبت سم you mean that no Indian worship cow? No, we love the cow, we respect the cow. No worship? None of the Indian? Not worshiping is different. میگه که اصلا ما پرستش گاو رو نداریم، این که ما احترام میذاریم مثلا صرفا توی جشنمون اولین غذایی که قرار در واقع داده بشه به گاوه. چرا؟ چون میگه حالا داستانش طولانیه که اصلا این تفکر از کجا اومد، و میگه ازش هم پرسیدم گفتم انگلیسی این تفکر رو بهتون دادن، چون خیلی اینجوری فکر کنم. میگه که نه اصلا این آیین اجدادی بوده و اینجوری فکر میکنن. حالا درست غلطیش چی این سنته و ما اینجا نیستیم که براشون تعیین تکلیف کنیم. گفتم تا زمانی که آسیبی در کار نیست تعیین تکلیف محال ممکنه و غلط هم هستش. بس لطفا اون فامیلایی که چرت و پرت میگن بکشن بیرون از ما. بعد عذر میخوام ولی خب خیلی رو مخمه این مسائل، اینکه علکی خودتون رو وارد میکنه چرت و پرت میگه پشت سرمون. بعد دیگه خواستم بهتون بگم که آرسان میگه که یه موجودی که ما بهش صرفا احترام میذاریم، یعنی مثل اینکه خب شما الان مثلا چه میدونم به یه حیوان یه عرق خاصی داری مثلا علاقه داری بهش، مثلا غذای چیزی میده، اینا یه حیوان مقدس میدوننش، نه که صرفا خدا باشه براشون. باشه، مخلص کلام بود دیگه، حالا خیلی مختصر گفتم. تو دوستو یہ بہت بڑی ایک مت ہے ایران کے اندر، جو کہ میں جب وہاں پہ تھا تب بھی مجھ سے بہت لوگ پوچھتے تھے کہ ہم کیا جو ہندوز ہوتے ہیں یا جو انڈینز ہوتے ہیں وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کو بھگوان مانتے ہیں. تو پہلی بات میں کلیئر کر دیتا ہوں، شاید بہت لوگوں کو بھی نہیں پتا ہو لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم مانتے ہیں کہ جو گائے ہے اور اس میں ہر بھگوان کا واس ہے، لیکن ہم پوجا نہیں کرتے. ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے ایک پوتر پرانی ہے،
और इसीलिए हम उसकी इज्जत करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैं ईरान के लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मैं वहाँ पे था, वो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वहाँ पे लोग समझते हैं कि गाय की हम लोग पूजा करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे लिए वो बहुत रिस्पेक्टिव जो है पशु है और हम उसको उसी दर्जे से देखते हैं। Hinduists worship the cow, and so they know it as some kind of sorry, but I am just giving the information. And Iranian know it as some kind of what we say, unwisdom, like the symbol of unwisdom and this thing, the symbol of stupidity. If I want to be frank with you. So, I mean, as I told you in our history books, it is mentioned, it has been mentioned, and I don't know what to say to them, but unfortunately, the history get changed based on the people's taste. So, brother, now we have come to the temple. So we call Sudarshan Chakra, it's a weapon of Lord Krishna, okay? Maybe need yes video to yaar dekhi aap sabne is video mein ki bhai sach mein bahut zyada maza aaya inhone na Persian mein jo ladki hai na वो अपनी जबान में ना वो बोले तो हमारे जो मतलब कंट्री के लोग है ना वो आपकी जबान में समझते हैं, तो फिर वो अपनी जबान में ना उनको भी समझाने की कोशिश कर रही है कि जो है ना ये कृष्णा जन्माष्टमी क्या है, और वो जो मतलब जो भी है ना वो सब कुछ उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है हिंदुइज्म के बारे में, ताकि सबको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। और बहुत ज्यादा लोग यही समझते हैं कि जो हिंदू होते हैं ना वो गाय की पूजा करते हैं, जैसे कि आज उन्होंने इस वीडियो में क्लियर किया कि हम पूजा नहीं करते, हम उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक बहुत ज्यादा अहमियत रखता है हमारे लिए, इस वजह से हम उसको इज्जत देते हैं। जैसे कि हर इंसान को हम इज्जत देते हैं, इसी तरह से जानवरों को भी काफी ज्यादा इज्जत दी जाती है। और कृष्णा जन्माष्टमी के मौके पर आज वो वहां पे मंदिर में गए, फिर वहां पे आशीर्वाद लिया, आज फर्स्ट टाइम उन्होंने मनाया। और यहाँ पे भी ना जब कोई ये होता है ना त्योहार, जैसे कि ईद मिलादुन नबी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो फिर उस दिन ना पहाड़ियां हम उसको बोलते, जैसे उन्होंने बना की तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ना कि मतलब सारी एक जो होता है ना वो एक्सप्लेन स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं वो रख के सब कुछ, तो इसी तरह से हमारे यहाँ अभी यहाँ पे ना वो मैंने देखा तो मुझे बड़ा मतलब सिमिलर सा लगा। हाँ, और काफी ज्यादा अच्छा लगा कि वो लोगों को और छोटे छोटे बच्चों को कृष्णा जी बनाकर, तो फिर उनको अपने बच्चों को भी जो है ना वो बताने की अपने मजहब के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं उनके माता पिता, और बच्चों को भी बहुत ज्यादा शौक होता है वैसा ड्रेस पहन के, वैसा वो बहुत ज्यादा ना प्यारा, कितना प्यारा हमें बच्चा लग रहा था, मुझे छोटा सा था ना बहुत प्यारा बच्चा लग रहा था उसने पहना था, और माए का ये क्या है इधर लाओ इसको मैं देखूँ ये क्या है। लेकिन यार पर्शियन लड़की को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानगी हुई, और उनको देखकर काफी ज्यादा जो है ना मतलब अच्छा भी लगा, और थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलना वैसे वो सीख गई है, समझना तो वो सीख गई है लेकिन बोलना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। अम्मी भी मेरी जो है ना वो इंग्लिश समझ जाती है लेकिन बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, हाँ तो समझ जाती है, तो वही चीज होती है कि बंदा समझ जाता है लेकिन बोलने में बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि कभी बोले ही क्यों नहीं होती, इस वजह से आती नहीं है, बोलो तो आ ही जाती है। लेकिन काफी ज्यादा अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा, अच्छा लगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है। थैंक यू।